लाहौरी एहतियात करें, कोरोना ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। लाहौर में सब शहरों से ज्यादा 194 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना के 5,705 मरीज कंफर्म, अमवात 78 तक जा पहुंची। पंजाब में कोरोना के 301 नए केसेस, तादाद 11,868 हो गई। लाहौर पुलिस के 75 एहलकार भी कोरोना का शिकार। कोरोना के मरीजों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, हुकूमती अहकाम पर अब घरों में ही करंटीना किया जा सकेगा। जिले इंतजामिया ने तहसील की सतह पर होम आइसोलेशन कमेटी बना दी। कमेटी घरों में करंटीना, इंस्पेक्शन और कोरोना मरीज की रिपोर्टिंग करेगी। लॉकडाउन में नरमी क्या हुई, शहरों ने एहतियात का दामन से छोड़ दिया। हुकूमती अहकाम की खुलम खुला खिलाफवर्जी, सड़कों पर ट्रैफिक का रश, रिक्शों में मुसाफिरों की भरमार, दो दो अफराद मोटरसाइकिल पर सवार। मार्केट्स तो मैंने खुलवा दी मगर आपने मेरा मान नहीं रखा, आपने चंद पैसों की खातिर लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। मियां असलम इकबाल का ताजरों से शिकवा, बोले इछरा टाउनशिप अनारकली बाजार की वीडियोस देखें तो खौफ आता है। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल ताजरों पर बरस पड़े। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप ने रिटेल और होलसेल मार्केट्स के लिए अलग एसओपीज का मुतालबा कर दिया। कहते हैं रश कम करने के लिए हफ्ते में 24 घंटे मार्केट्स खोलने की इजाजत दी जाए। प्रेस क्लब में दीगर रहनुमाओं के हमराह नई मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले महदूद औकात-ए-कार के बायस बाजारों में शहरियों का रश है, 24 घंटे दुकानें खुली रहने से रश कम होगा। अब हवाई सफर में मुसाफिरों को खाना नहीं मिलेगा। कोरोना वायरस से बचाव के इकदाम, पीआईए ने तमाम खलीजी ममालिक दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब, मस्कत, ओमान की परवाजों में खाना सर्विस बंद कर दी। मुसाफिरों के लिए पानी, सॉफ्ट ड्रिंक का इंतजाम होगा। रवानगी से कबल जरासीम कुश केमिकल से जहाजों की डिसइंफेक्शन की जाएगी। चंद काली भेड़ों को गरीबों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का सब्र का पैमाना लबरेज, तुर्किश के सारे तीर ब्यूरोक्रेसी पर बरसा दिए। कहते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी में चंद काली भेड़े हैं, आप पार्क अथॉरिटी को नहीं चलने दे रही, फाइलें दुबा दी जाती हैं मगर फंड्स का इजरा नहीं किया जाता। बोले बात अब वजीर आजम तक जाएगी, ब्यूरोक्रेसी से आखिर मीटिंग करूंगा, अगर राह रास्त पर ना आए तो बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, सबके चेहरे बेनकाब करूंगा। इस हफ्ते मैं इन ब्यूरोक्रेसी के लोगों से फाइनल मीटिंग करूंगा और अगर ये राह रास्त पे ना आए, इन्होंने रकावटें बंद ना की, तो अगले बुध को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब लोगों के चेहरे बेनकाब करूंगा। मॉल्टन रोड एलडीए क्वार्टर के मकीनों का साफ पानी के दम दस्तियाबी पर मुजाहिरा, एहतजाज में खवातीन और बच्चों की भी कसीर तादाद में शिरकत। मुजाहरीन की जानिब से वास्सा मुर्दाबाद के नारे, कहते हैं कई माह से साफ पानी को तरस रहे हैं, मुतअद्दद बार दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। पंजाब में वजीराला की टीम के तर्जमानों ने निसफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बयान के लिए तर्जमानों की तादाद 50 से तजावुज कर गई। हुकूमत की कारकर्दगी को अवाम के सामने लाने के लिए तर्जमानों की फौज जफर मौज पर थी। 5 माह में वजरा समेत 57 पार्टी रहनुमाओं को पंजाब हुकूमत का तर्जमान मुकर्रर किया गया। पंजाब में गंदम और चीनी बहरान पर एफआईए के बाद ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी फ़ाल। महकमा खजाना ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को तमाम रिकॉर्ड्स फराहम कर दिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी खुराक, सेक्रेटरी ज़राअत और केन कमिश्नर से गुज़श्ता 5 साल का रिकॉर्ड तलब किया था। गंदम और चीनी बहरान से मुतल्लिक हतमी स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट मुरतब करके वफाकी हुकूमत को अरसाल की जाएगी। पंजाब में कोरोना के बायस खजाने को मालिक खसारे का सामना, पंजाब हुकूमत ने 135 अरब का तरक्याती फंड रोक लिया। पंजाब हुकूमत ने मजीद फंड्स के इजरा पर पाबंदी के बाद मौजूदा तरक्याती बजट वापस ले लिया। सूबाई खजाने में शॉर्टफॉल के बाद ये फंड्स दीगर अखराजात पर इस्तेमाल होंगे। पंजाब का माली बहरान शदीद हो गया, तरक्याती बजट के बाद गैर तरक्याती बजट पर भी कट लग गया। सरकारी महकमों का गैर तरक्याती बजट भी खत्म कर दिया गया। स्टेशनरी, पेट्रोल और यूटिलिटी समेत दीगर रोजमर्रा के अखराजात खत्म कर दिए गए।
सरकारी महकमों के पास सिर्फ मुलाजमीन की तनख्वाहें छोड़ी गई। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब अपने तरक्याती बजट का 50% भी खर्च ना कर सका। हुकूमत पंजाब की जानिब से रवा माली साल में स्पोर्ट्स बोर्ड को 4 अरब रुपए तरक्याती बजट दिया था। कोरोना के बायस मंसूबे बंद होने से बजट खर्च नहीं हो सका। डेप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट का मौकिफ। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ को डॉक्टर्स नर्सिस तिबी अमले को एजाजिया देने का ख्याल आ गया। कोरोना वार्ड में काम करने वाले डॉक्टर्स नर्सिस तिबी अमले को एजाजिया देने के लिए फहरिस्तें तलब। यकुम अप्रैल से 1 माह में 84 घंटे ड्यूटी अंजाम देने वाले एजाजिया के मुस्तहिक होंगे। ताहम ऐलान के बावजूद तहाल अप्रैल के एजाजिया की अदायगी ना की जा सकी। एक तरफ नवाजिशात की बारिश तो दूसरी तरफ चश्मपोशी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और बलदियाती इदारों को 2 साल से तरक्याती ग्रांट ना मिल सकी। उधर MCL, गैर फ़ाल अजला काउंसल्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटीज को गैर तरक्याती खराजात की मद में 2 अरब 86 करोड़ से ज्यादा की ग्रांट जारी कर दी गई। LDA में मुफाद प्रस्त अफसरान की फुर्तियां। कोरोना वबा की आड़ में लाखों रुपए एजाजिया बटोरने की तैयारियां। इदारे हुकूमती कोरोना फंड में तनख्वाहें कटवाकर पैसे डाल रहे हैं, जबकि LDA अफसरान ने नाजुक मौके को भी कैश करवा लिया। सख्त लॉकडाउन के दौरान पब्लिक डीलिंग बंदिश के बावजूद 1-1 माह की तनख्वाह बतौर एजाजिया मंजूर करवा ली। समनाबाद बोर्ड पर एहसास कफालत मराकज के करीब ट्रैफिक पुलिस के नाकिस इंतजाम। एहसास कफालत मराकज वाली रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। मोड़ समनाबाद पर कायम एहसास कफालत मराकज में शहरियों का शदीद रश। ट्रैफिक जैम होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले तिबी अमले को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। लीगी MPA सुमेरा कोमल का कहना है कि डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ कौम के असल हीरोज हैं। तिबी अमले को हिफाजती किट्स में तमाम बुनियादी चीजें फराहम की जाएं, करारदाद में मुतालबा। कोरोना वायरस से मुतासरा पुलिस मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। IG के हुक्म पर आज से मुतासरा मुलाजमीन में रकम का इजरा किया जाएगा। पुलिस के कोरोना से मुतासरा 211 मुलाजमीन 25,000 माली इमदाद दी जाएगी। उधर बाबदा ने ईद उल फितर पर मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह बतौर बोनस देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोनस कोरोना वबा के दौरान काम करने वाले मुलाजमीन को दिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर के सैकड़ों हाई स्कूलों में ग्रेड 20 के प्रिंसिपल्स की आसामियां खाली। प्रिंसिपल्स की आसामियां खाली होने से स्कूलों के इंतजामी मामला चलाने में मुश्किलात। लाहौर के 9 हाई स्कूल में ग्रेड 20 की पोस्टें खाली हैं। शहर में मुनाफाखोर माफिया सरगर्म। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लीमू चाइना 400, लीमू देसी 550 तक फरोख होते रहे। प्याज 60 से 70, आलू 60 से 70, लहसुन 300 रुपए किलो में फरोख, अदरक 300 से 350 रुपए फी किलो में फरोख होता रहा। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की अकबरी गेट के इलाके में बड़ी कार्रवाई। स्मगल शुदा खुश्क दूध, खोपरा और चाइना नमक बरामद। बरामद होने वाले सामान की मालिक 5 करोड़ रुपए है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहबाज सतला कत्ल केस का मामला। मुफक्कर अदील के चालान का जायजा लेने के लिए प्रोसिक्यूशन की 4 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में 4 सीनियर सरकारी वकला जमा करवाए गए चालान का जायजा लेंगे। कमेटी में शहबाज खान, वसीम मुमताज, मोहसिन हसन भट्टी और मियां मोहम्मद आसिम शामिल हैं। कमेटी चालान मंजूर करने के बाद सेशन जज लाहौर को अरसाद करेगी। LDA सिटी करप्शन स्कैंडल रेफरेंस की समाअत। साबिक DG LDA आहाचीमा को पेश न किया जा सका। अदालत के रूबरू नए प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज पेश। आसिमा ने अल्फा स्ट्रेट के मालिकान से मिलकर करोड़ों की खुद बुद की। अदालत ने दलायल सुनने के बाद केस की समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी।
वजीराला पंजाब सरदार उस्मान से सनत और कारोबार से वाबस्ता शख्सियात की मुलाकात। मकसूद बसरा ने पाकिस्तान न्यू एनर्जी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से 50 लाख का चेक कैश किया। सदर एनर्जी मिस्टर रिचर्ड और मिस्टर क्यों ने वजीराला को 20 लाख का चेक कोरोना कंट्रोल के लिए दिया। जो एनर्जी के सदर ने 5,000 मास्क भी अतिया किए। FPCCI के अहदेदारान और मुशीर खजाना हफीज ए शेख का इजलास। FPCCI के बजट की तजावीज और एक्सपोर्टर्स के रिफंड की अदायगी बारे तबादला ख्याल। रुकने कौमी असम्बली सरदार गौस बख्श महद की सदर मुस्लिम लीग का चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और कोरोना बारे तबादला ख्याल। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ को रिहा करो। नून लीगी रहनुमाओं परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर और गजाली सलीम बट की जानिब से अपोजिशन लीडर के हाई के मुतालबे के बैनर्स मॉल रोड पर लगा दिए गए। परवेज मलिक कहते हैं हुकूमत ने हमजा शहबाज शरीफ को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया। ख्वाजा इमरान नजीर बोले हमजा शहबाज को अवाम की खिदमत की सजा दी जा रही है। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में अमरीकी नाजिमुल अमूर सफीर पॉल जॉन्स को जवाबी खत। रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शहबाज शरीफ लिखते हैं रमजानुल मुबारक सब्र खैर सगाली और सकाफत के औसाफ को फरोग देता है। पाक अमरीका तालुकात को मजबूत बनाने में आपके किरदार को सराहते हैं। बादशाही मस्जिद के खतीब की चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड से मुलाकात। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने बादशाही मस्जिद में अपनाई जाने वाली एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। सरदार तनवीर इलियास बोले कोरोना के वबा के दौरान उलमा को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए और मसाजिद में हुकूमती SOPs पर अमल किया जाए।